आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बिस्किट से बनने वाला केक लेकर आई हूँ। ये केक बहुत ही कम टाइम में बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और दोस्तों, अनमोल रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट का केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये बिस्किट लेना है। ये पार्ले जी बिस्किट, ये बड़ा वाला पैकेट है। हैप्पी हैप्पी दो पैकेट है, ओरियो बिस्किट के दो पैकेट हैं, और ये हाफ टेबल स्पून इनो है, आधा ग्लास के करीब दूध है। अब हमें मिक्सर में डालकर ये सारे बिस्किट का बहुत अच्छे से फाइन पीस लेना है। अब हमें मिक्सी जार लेना है, उसमें ये बिस्किट को सारी इसी तरह डाल देना है और एकदम पहले इसको सूखा ही ग्राइंड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका। इस तरह सारी बिस्किट को हमें हाथों की सहायता से ऐसे तोड़ के डाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इसका हमने सूखा ही इतना अच्छा पाउडर मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसके एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने दूध डाल चुका है इसमें। ये थोड़ा दूध हमने बचा कर रखा हुआ, फिर जितना जरूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से दूध ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी तैयार हो चुकी है। सारा दूध इसमें ऐड हो चुका था, अब हमने थोड़ा दूध और लिया है। कुल मिला के ये पूरा फुल ग्लास दूध इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम इसमें इनो डालेंगे। इस तरह से इनो डाल के फिर इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दूध ऐड करा हुआ है। अब हम इसको एक बार और मिक्सर से इसको दम फाइन पेस्ट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। बहुत अच्छे से हमें इसको इस तरह से और मिला लेना है। अब हम इसको डिब्बे में ट्रांसफर करेंगे। बस ये हमारा हमें रखना है। ये देखिए, एकदम से इस तरह की ही बैटर तैयार होना चाहिए। अब हमें इस तरह का एक बर्तन ले लेना है। आपके पास यदि केक बनाने वाला डिब्बा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास इस तरह का डिब्बा है, तो इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पूरा घी बहुत अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ। इस तरह से इसमें पूरे से घी बहुत अच्छे से ग्रीस कर दिया। यदि आपको बटर डालना है तो आप बटर डाल सकते हैं। हर चीज़ें ऑप्शनल रहती है दोस्तों। बस इसमें हम बटर पेपर डाल देंगे। यदि आपके बटर पेपर ना हो तो थोड़ा सा आप इसमें मैदा ऐड डाल दीजिएगा। इस तरह से हम बटर पेपर को सारा इसमें कर देंगे। अब हम इसमें सारे बैटर को, ये देखिए दोस्तों, सारे बैटर को हमें इसमें निकाल देना है चम्मच की सहायता से। पूरे बैटर को इसमें निकाल देना। ये देखिए दोस्तों, हमने सारा बैटर बहुत अच्छे से इसमें ट्रांसफर कर लिया। अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके इसके जो बबल्स हैं उसको निकालना है। बस इसमें सारे बबल्स निकल चुके हैं। अब हम इसमें कढ़ाई में इसको रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने एक कढ़ाई ली हुई है, इसको हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें एक स्टैंड रखा हुआ है। यदि आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप एक कटोरी रख के भी इसका यूज कर सकते हैं। बस इस डिब्बे को इस तरह रख देना है। ये 30 मिनट के लिए हमें इसी स्लो फ्लेम में रख देना है ढक के। बहुत अच्छे से ये बेक होगा। फिर 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कैसा हुआ। यदि नहीं पका होगा तो फिर 10 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। ये दोस्तों, 40 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा केक एकदम कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फोक की सहायता से इस तरह से देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये समझिए कंप्लीट हो चुका। अब हम इसको ठंडा हो जाने देंगे, इसके बाद ही इससे हम इसको निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से पूरा निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इस प्लेट ढकेंगे इस तरह से। फिर इसको हम इस तरह से पलट देंगे। प्रेस करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा केक एकदम स्पंज केक बनकर तैयार हो चुका है। एकदम स्पंज केक बनकर तैयार। अब इसको हम काट के सर्व करते हैं। यदि आपको और भी डेकोरेशन करना है